हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि ये जो मई का मंथ है इसमें आपकी लव लाइफ को लेके क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। तो ये आप सन मून राइजिंग तीनों के हिसाब से देख सकते हो। तो हम एक एक करके जितनी भी राशियां हैं सबका देखने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए डेफिनेटली आई थिंक आप में से काफ़ी लोग सिंगल हो जो आप लोग देखने वाले हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर ज़्यादा है। चाहे जो लोग मैरिड भी हैं वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है। चाहे आप अपने पार्टनर के साथ रहो या ना रहो, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो कितना नहीं करते हो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका फोकस अपने ऊपर है तो सामने कोई कौन क्या बैठा हुआ है डजेंट मैटर। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है क्या जो लोग सिंगल हैं स्पेशली वो लोग अपनी लाइफ में एक सोलमेट को या एक बहुत अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए यूनिवर्स इज ऑल्सो आस्किंग यू कि इस चीज़ पे, इस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है, सरेंडर करके चलना है इस चीज़ को लेके। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसी नीड हो कि कब कोई आएगा मुझे बचाएगा मुझे प्यार करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर आपको डेफिनेटली वर्क करने की नीड है इन द मंथ ऑफ मे। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।